शुभ संध्या, मैं श्रेयश आप सबका भारत काउंसिलिंग गाइस की तरफ से हिंदी बीएसजी न्यूज चैनल में स्वागत करती हूं। आइए मुख्य समाचार जान लेते हैं। बीएसजी के सदस्यों ने ताइवान में 9वें राष्ट्रीय गर्ल स्काउट जम्बूरी में भाग लिया। गणतंत्र दिवस अखिल भारतीय स्तर पर मनाया गया। तृतीय बिग सिक्स बैठक की मेजबानी राष्ट्र मुख्यालय में भारत काउंसिलिंग गाइस द्वारा की गयी। केवीएस कर्नाटका में ओडिशा राज्य द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन आंध्र प्रदेश, बिहार एवं केवीएस राज्यों द्वारा किया गया। हरियाणा राज्य के माननीय राज्यपाल ने हरियाणा राज्य के स्काउट्स एवं गाइड्स को मार्च पास विजेता शील्ड प्रदान की। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को सामाजिक सुधार एवं सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ। राजस्थान राज्य ने स्वच्छता अभियान चलाया। पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा राज्य परिषद की बैठक का आयोजन किया। दक्षिण पूर्वी रेलवे राज्य के सांत्रागाछी दक्षिण समूह ने वार्षिक समूह दिवस मनाया। बैरकपुर स्थानीय संघ पश्चिम बंगाल राज्य ने नेहाटी में रक्तदान शिविर आयोजित किया। त्रिपुरा राज्य के रोवर्स रेंजर समागम का आयोजन किया गया। तमिलनाडु राज्य द्वारा राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आइए समाचार को विस्तार पूर्वक जानते हैं। इंटरनेशनल भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की दो गाइड प्रशिक्षक सुश्री जयश्री पाठक मध्य प्रदेश एवं सुश्री ममता निक्षन मोरेस महाराष्ट्र राज्य ने 9वीं राष्ट्रीय गर्ल स्काउट जम्बूरी ताइवान में 28 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का प्रतिनिधित्व किया। NHQ 26 जनवरी 2024 को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार कौशिक द्वारा जिला प्रशिक्षण केंद्र नगर बगीची अलवर राजस्थान में राष्ट्रीय मुख्यालय के अधिकारियों रोवर्स रेंजर्स और राजस्थान राज्य के अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्र मुख्यालय के अधिकारियों एवं परिवार के सदस्यों के एक समूह ने 25 से 28 जनवरी 2024 तक राजस्थान के जयपुर अलवर एवं शिखर शहरों के सांस्कृतिक धरोहर का दौरा किया। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार कौशिक ने बताया कि इस दौरे से स्टाफ सदस्यों का मनोबल बढ़ाया और परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर मिला। अलवर सीकर और जयपुर के राजस्थान स्थानीय संघों ने मुख्यालय के दल का गर्मजोशी से स्वागत किया। NHQ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्र मुख्यालय द्वारा बिग सिक्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की तृतीय बैठक 31 जनवरी 2024 को राष्ट्र मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्री मधुसूदन अवाला अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आयुक्त सुश्री दर्शना पावस्कर संयुक्त निदेशक गाइड्स यूथ मेन्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन यंग वुमेन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं राष्ट्रीय मुख्यालय के अधिकारियों के साथ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री बबलू गोस्वामी सहायक निदेशक पूर्वी क्षेत्र ने मिशन लाइफ की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बीएसजी के निदेशक डॉक्टर आरके कौशिक ने अन्य युवा संगठन के विशेष आयोजनों में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। रोड सेफ्टी वीक केवीएस कर्नाटका और ओडिशा राज्य द्वारा जिला स्थानीय और यूनिट स्तर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसमें स्काउट्स एवं गाइड्स ने जनता को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित किया और उन्हें हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए निवेदन की। इस पहल का उद्देश्य जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। सहयोगात्मक प्रयासों ने सभी के लिए एक सुरक्षा वातावरण बनाना, यातायात नियमों का पालन करना और आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाना के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए समुदाय को समर्पण से उजागर किया गया। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी 2024 को राष्ट्र मतदाता दिवस आंध्र प्रदेश, बिहार और केवीएस राज्यों द्वारा मनाया गया। स्काउट गाइड्स और प्रशिक्षकों ने जनता में अनुरोध किया कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी मतदाता क्षमता का पूर्ण प्रयोग करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकालकर वोट डालने के लिए प्रेरित करना था। NAI पचमढ़ी 25वां अंतर्राष्ट्रीय साहसी कार्यक्रम 2 फरवरी 2024 से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट पचमढ़ी में शुरू हुआ। कार्यक्रम में बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 500 स्काउट गाइड्स युवा भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर नर्मदापुरम श्रीमती सोनिया मीना द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग लेते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
राज्य समाचार हरियाणा 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हरियाणा राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने पानीपत हरियाणा के स्काउट्स और गाइड्स को मार्च पास्ट विजेता शील्ड प्रदान की। सिरसा एवं अम्बाला जिले के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और शिक्षा मंत्री श्री कुंवर पाल गुज्जर ने स्काउट्स एवं गाइड्स को विजेता शील्ड प्रदान की। हरियाणा के अम्बाला कैंट में गाइड कैप्टन के लिए हिमालयन उड बैच शिविर 31 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक आयोजित हो रही है, जिसका संचालन सुश्री अंजलि चंडोला ALT उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड से 24 यूनिट लीडर्स भाग ले रही है। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने 25 जनवरी 2024 को वर्ष 2024 के राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को सामाजिक सुधार और अधिकारिता श्रेणी से सम्मानित प्राप्त हुआ। साथ ही 51,000 रूपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। इन अवसर पर BSG जम्मू कश्मीर के समस्त परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यों ने 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। छत्तीसगढ़ 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला एवं स्थानीय संघों ने अपने अपने मुख्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया। स्काउट गाइड रोवर्स एवं रेंजर्स पुलिस बल के सदस्यों के साथ परेड ग्राउंड में मार्च पास्ट की भी शामिल हुए। और इसके ठीक पीछे कार्टून समान करो सरस्वती जी मंदिर का कैंडल जिसका नेतृत्व कर रही है गायत्री शर्मा। कार्टून की अपराध ढूंढते रहनी चाहिए। तीसरा कार्टून है सरस्वती जी मंदिर का एक अवकल रामन साहू के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश जिला संघ मुरैना मध्य प्रदेश राज्य ने गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें श्री अशोक यादव जिला मुख्य आयुक्त एवं श्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। क्लैब प्रोजेक्ट के तहत 27 जनवरी 2024 को उधम सिंह ओपन साउथर्न ट्रिप ने सदस्यों ने गांधीनगर भोपाल में जनता को जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और जागरूकता पैदा किया। राजस्थान सिरोही जिला संघ ने 26 जनवरी 2024 को स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बाबू सिंह राजपुरोहित ASOC मुख्य एवं डॉक्टर रवि शर्मा प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवागंज विशेष अतिथि रूप में शामिल हुए। सीकर के परिक्षेत्र में विभिन्न स्थानीय संघों एवं विद्यालयों के स्काउट गाइड द्वारा 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर बनाना प्रतियोगिताएं, जन जागरूकता रैली का आयोजन, सेमिनार, नारा लेखन, नाटक एवं रंगोली आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार 25 जनवरी 2024 मतदाता जागरूकता दिवस के शुभ अवसर पर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सहरसा द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला स्कूल के स्काउट बैंड के साथ रैली जिला समाहरणालय तक पहुंची, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली का उद्घाटन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के बुद्ध मार्ग स्थित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह का उद्घाटन पार्षद एवं विधायक डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने किया। मौके पर अतिरिक्त राज्य मुख्य आयुक्त बिहार राज्य श्री दिलीप कुमार उपस्थित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने राज्य मुख्यालय में अपने विवेकाधीन विकास निधि से वित्त पोषित एक पार्क और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे 23 जनवरी 2024 को लाल बहादुर शास्त्री ओपन ग्रुप पूर्व मध्य रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस
जयंती मनाई। कार्यक्रम के दौरान सहायक जिला आयुक्त श्री मनोज पासवान ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मध्य रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हाजीपुर राज्य मुख्यालय द्वारा रेल निकेतन हाजीपुर स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार खंडेलवाल ने रेलवे सुरक्षा बल स्काउट्स और गाइड्स के नेतृत्व में परेड का निरीक्षण किया और शामिल हुए। ओडिशा 24 जनवरी 2024 को कनीषी गंजाम में स्थित भैरवी कॉलेज के रोवर और रेंजर समूह ने रेंजर लीडर श्रीमती मोनालिसा दास के मार्गदर्शन में एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल के दौरान सदस्यों ने सवारियों को जिम्मेदार वाहन संचालन, यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट पहनने के महत्व और वाहन चलाते समय अन्य सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किए। साउथ ईस्ट रेलवे 28 जनवरी को दक्षिण पूर्वी रेलवे के सांतरागाछी साउदर्न ग्रुप में वार्षिक ग्रुप दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में 85 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। पूर्वी राज्य संगठन आयुक्त श्री ब्रजेश कुमार राम ने ग्रुप के सदस्यों को प्रेरक भाषण द्वारा प्रेरित किया। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के उत्तर 24 परगना जिले के अंतर्गत स्थित बैरकपुर लोकल एसोसिएशन के रोवर्स और रेंजर्स ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर निहाठी में आयोजित एक रक्तदान शिविर में सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं प्रदान की। एनएफ रेलवे 29 जनवरी 2024 को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स लुमडिंग डिस्ट्रिक्ट एनएफ रेलवे स्टेट के सदस्यों ने रेलवे इंस्टीट्यूट लुमडिंग में वार्षिक खेल प्रतियोगिता 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम में 14 स्काउट गाइड रोवर्स रेंजर्स और यूनिट लीडर्स ने भाग लिया। त्रिपुरा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स त्रिपुरा राज्य द्वारा विद्रोही कवि नजरुल विधा भवन अगरतला में स्काउट्स गाइड्स रोवर्स और रेंजर्स समागम का आयोजन 26 से 28 जनवरी 2024 तक किया गया। इस शिविर में 91 स्काउट्स और गाइड्स रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया। शिविर के सम्मान समारोह में श्री राजीव भट्टाचार्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री रेवती मोहन दास विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। तेलंगाना तेलंगाना राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा 24 जनवरी 2024 को राज्य मुख्यालय डोमलगुरा हैदराबाद में बालिका दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 168 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा नाटक एवं जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न विद्यालयों की स्काउट्स एवं गाइड्स इकाइयों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस अवसर पर जागरूकता रैली, पोस्टर मेकिंग आदि कई गतिविधियां आयोजन किए गए थे। स्काउट्स एवं गाइड्स ने जनता को यातायात नियमों का पालन करना और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी मतदान शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। पंजाब पंजाब राज्य के जलंधर जिले के सदस्यों ने पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल पीएपी कैंपस जलंधर पंजाब में गणतंत्र दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा कुंभ मेले में दी गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की प्रदर्शनी भी की गई। अमेठी जिले के स्काउट्स एवं गाइड्स ने गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड में पुलिस कैडेट के साथ मार्च पास्ट में भाग लिया। जिला विद्यालय आयुक्त सुश्री गीता सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संजय तिवारी, जिला मुख्य आयुक्त श्री जयप्रकाश तिवारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। कर्नाटका 25 जनवरी को रोवर्स एवं रेंजर्स ने कांति कॉलेज मुधोल जिला बागलकोट कर्नाटका में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने जागरूकता रैली, निबंध, पेंटिंग और नारे लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की है। तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य के महर्षि जिला स्काउट्स एवं गाइड्स ने वर्ष 2023 के लिए पहला सर्वोच्च इकाई पंजीकरण पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री और तमिलनाडु राज्य संघ के अध्यक्ष श्री अनबीर महेश द्वारा शील्ड प्रदान की गई। तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी राजस्व जिला अथियायमन महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन उथनकराई में राज्य पुरस्कार 2023 परीक्षा शिविर का आयोजन 22 से 24 जनवरी 2024 तक किया गया। जिला आयुक्त डॉक्टर सीनी थिरुमल मुरुंगन एवं जिला आयुक्त श्रीमती आनंदी माला ने संयुक्त रूप से शिविर का उद्घाटन किया। महर्षि जिला संघ द्वारा 31 जनवरी 2024 को
MVM कोलाचेरी यूनिट में बनी शिविर का आयोजन किया गया। नए परिपत्र जारी किए गए 11 द्वितीय भारत बांग्लादेश मित्रता शिविर 12 22 फरवरी 2024 को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाएगा। 13 BSE DSE सर्व स्मार्ट 2.0 प्रशिक्षण एवं सुरक्षित इंटरनेट दिवस समारोह आगामी कार्यक्रम एवं उत्सव आयोजन का नाम छात्रों के लिए जापान पूर्वी एशिया नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज और यूथ स्थान टोक्यो जापान दिनांक 6 से 13 फरवरी 2024 आयोजन का नाम राष्ट्रीय युवा साहसी कार्यक्रम स्थान मनाली हिमाचल प्रदेश दिनांक 10 से 14 फरवरी 2024 आयोजन का नाम राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम स्थान करशिंग पश्चिम बंगाल दिनांक 12 से 16 फरवरी 2024 आयोजन का नाम 490 व राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम स्थान NAI पचमढ़ी दिनांक 14 से 20 फरवरी 2024 आयोजन का नाम राष्ट्रीय एकता शिविर एवं कब बुलबुल उत्सव स्थान NYC गतपुरी हरियाणा दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024 आयोजन का नाम कब बुलबुल उत्सव स्थान NYC गतपुरी हरियाणा दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024 आयोजन का नाम गोल्डन एरो अवार्ड्स रैली स्थान NYC गतपुरी हरियाणा दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024 आयोजन का नाम राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम स्थान करशिंग पश्चिम बंगाल दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024 आयोजन का नाम राष्ट्रीय युवा साहसिक कार्यक्रम स्थान गोवा दिनांक 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 आयोजन का नाम 491 व राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम स्थान NAI पचमढ़ी दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2024 आयोजन का नाम रोवर्स के लिए STG पर 10वीं राष्ट्रीय स्तर की वकालत वर्कशाला रोवर्स और रेंजर्स और युवा लीडर्स के लिए स्थान डोडा बल्लभपुर कर्नाटका दिनांक 28 फरवरी से 3 मार्च 2024। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।